स्टूडेंट टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि कैसे जब रेल की दुर्घटना हो जाती है तो शास्त्री जी अपने जॉब छोड़ देते हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वह भारत के प्रधानमंत्री बने। वे भारत के प्रधानमंत्री बने मतलब पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जब उनकी डेथ होगी, उनकी मृत्यु होगी, तब ये प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तब देश के सामने कई समस्याएं थी। देश में खाद्य पदार्थों की बहुत कमी थी। खाद्य पदार्थ मतलब पदार्थों की बहुत कमी थी, कच्चे माल की बहुत कमी थी, मतलब समस्याएं काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों व जवानों में के दिलों में जोश भर दिया। उन्होंने कौन सा नारा दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, जय जवान जय किसान। इससे क्या हुआ, जो नवयुवक थे, जो तब के जवान थे, उनके मन में उन्होंने एक नया जोश भर दिया। सन 1965 में पाकिस्तान की सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण आक्रमण होता है बच्चे, हमला कर देना। तो उस आक्रमण को मतलब किसने किया था, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर किया था। भारत की सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की सेना ने पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब देना मतलब कि टक्कर दी। जैसे उन्होंने हमला किया था तो इन्होंने भी हार नहीं मानी, उसका जवाब दिया। इस युद्ध के बाद रूस की कोशिश से भारत पाकिस्तान के बीच में ताशगंज समझौता हुआ। हुआ क्या कि अब तो लड़ाई बहुत हो चुकी थी, तो इस युद्ध के बाद, इस लड़ाई के बाद फिर रूस एक बच्चे, जैसे इंडिया है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, वैसे एक रूस है। तो रूस ने क्या किया, रूस देश के ने क्या किया, भारत पाकिस्तान के बीच में ताशगंज समझौता करवा दिया। समझौता करवा दिया मतलब उनको उनका एक बार समझौता करवा देना होता कि दोनों में सुलह करवा दी। ताशकंद में ही जनवरी 1966 की रात में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। अब क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ कैसे हुई, 1966 में उनकी हृदय गति मतलब कि दिल ने काम करना छोड़ दिया, धड़कन रुक गई, तो उस वजह से उनका निधन हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई। उनके निधन का समाचार सुनकर सारा देश शोक में डूब गया, मतलब सारा दुख में डूब गया। शोक में दुख में डूब जाना, निधन मतलब उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर, न्यूज़ सुनकर वो सारे लोग क्या हो गया, पूरा देश दुख में डूब गया। डूब जाना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन बहुत सादा था। वे बहुत दृढ़ निश्चयी, ईमानदार और सादगी प्रिय व्यक्ति थे। वो कैसे थे हमें पता ही है, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि वो महात्मा गांधी को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो सादगी पसंद थे। तो ये खुद भी, इनका जीवन बहुत सादा था। वह दृढ़ निश्चयी, ईमानदार और सादगी प्रिय व्यक्ति थे। ओके बच्चे, आज हमने अपना टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। सो इससे रिलेटेड सम ग्लोसरी वर्ड्स आर देयर, वी विल रीड दिस ग्लोसरी वर्ड्स ऑल्सो। संध्या मैंने आपको बताया था ना, जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे, संध्या मीन्स शाम। निश्चय इरादा मतलब पक्का सोच लेना कि मैंने करना ही करना है। सम्मान आदर रिस्पेक्ट, नन्हे छोटे बच्चे, प्रवेश दाखिला मैंने आपको बताया था, आपको याद होएगा। मौका अवसर, जैसे मतलब कि कोई चांस सा मिल जाना। प्रसिद्ध विख्यात, प्रसिद्ध आई थिंक आप विख्यात से इतना ज़्यादा नहीं जानते हो, प्रसिद्ध आपको पता है। विख्यात मीन्स दोनों का मीनिंग होता है फेमस होना। निधन होता है निधन, मृत्यु, डेथ हो जाना। लाल बेटा मतलब बेटे को भी लाल कहा जाता है। उत्तीर्ण पास होना मैंने आपको कल बताया था ना, दीज आर वर्ड्स बच्चे। आई विल पुट सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस ग्लोसरी वर्ड ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर। ओके बाय।